जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि जन्माष्टमी 2023 कौन से दिन मनाई जाए, 6 को या 7 सितंबर को। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। वहीं महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:38 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्मोत्सव मना सकते हैं। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा मुहूर्त की बात करें तो 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।